हाथ में कलावा बांधकर अंबेडकरवादी कैसे हो सकते हो? हाथ पर ओम लिखा है, तुम दलित कैसे हो ये बताओ। ये वो कमेंट हैं जो अक्सर मेरी फेसबुक पोस्ट या फिर यूट्यूब वीडियो पर मिलते हैं। लोग मेरे अंबेडकरवादी होने पर सवाल खड़े करते हैं, इसलिए आज के वीडियो में मैं इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ या नहीं। जय भीम, मैं हूँ सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। सबसे पहले मैं आपको अपने हाथ पर बने इस नए टैटू को दिखाना चाहता हूँ। मेरे दाहिने हाथ पर ओम लिखा था, जिसे मिटवाकर मैंने बुद्ध के नए टैटू से कवर करा लिया है। अक्सर लोग मेरे हाथ पर बने इस ओम को लेकर सवाल खड़े करते थे। मैं खुद भी हिंदू धर्म से जुड़े किसी प्रतीक को अपने शरीर पर देखकर दुखी हो जाता था, इसलिए मैंने इस निशान से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। अब मेरे हाथ पर समता और न्याय के प्रतीक बुद्ध का बड़ा ही प्यारा सा चेहरा है। कोरोना वायरस की वजह से मैं कहीं बाहर जाकर टैटू नहीं कराना चाहता था, इसलिए मैंने नोएडा में रहने वाले अपने दोस्त अंकित सोलंकी के घर का रुख किया। अंकित ने सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए अपने घर पर ही मेरे हाथ पर बड़ी ही सफाई से नया टैटू बना दिया। मुझे बुद्ध का ये नया टैटू बेहद प्यारा लगता है। अगर आप नोएडा में हैं और टैटू बनवाना चाहते हैं, तो अंकित से 9910372472 पर संपर्क कर सकते हैं। तो अब मेरे हाथ पर ओम की जगह बुद्ध का ये प्यारा सा टैटू है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओम के अलावा मेरे हाथ पर कुछ और भी लिखा था? मेरे दाहिने हाथ पर ही लंबा सा जय माता दी लिखा हुआ था, लेकिन पिछले साल ही मैंने इससे भी छुटकारा पा लिया। मैंने जय माता दी को कवर कराते हुए हाफ टाइगर बनवा लिया था। तो अब मेरे हाथ पर हिंदू धर्म का कोई भी प्रतीक नहीं है, लेकिन अब आप ये समझिए कि मैंने हाथ पर ओम का निशान और जय माता दी आखिर कब और क्यों लिखवाया था। असल में हुआ यूं था कि हरियाणा में जो मेरा गांव है, वहां हर साल मेला लगता है। बचपन में हम साल भर इस मेले का इंतजार किया करते थे, कुछ पैसे भी इकट्ठे करते थे ताकि मेले में मजे कर सकें। मेरी उम्र करीब 10 या 11 साल रही होगी। गांव के ही मेले में मैंने नादानी में हाथ पर ओम बनवा लिया था और साथ ही जय माता दी भी लिखवा लिया। लेकिन बाद में जब बड़ा हुआ तो यही शब्द खटकने लगे। लेकिन यहां मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। आपको समझना होगा कि हम अम्बेडकरवादी पैदा नहीं होते, बल्कि हम अम्बेडकरवादी बनते हैं। कुछ लोग जातीय भेदभाव की तकलीफों के कारण अंबेडकरवादी बनते हैं, तो कुछ लोग जातिवाद की बीमारी को काटने के लिए अंबेडकरवादी बनते हैं। कुछ लोग अपने घर परिवार के माहौल के कारण ही अंबेडकरवादी बन जाते हैं, तो कुछ मेरे जैसे लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के बाद अंबेडकरवादी बनते हैं। एक सच्चा अंबेडकरवादी बनने के लिए आपको एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मैं अपने घर का पहला आदमी हूँ जिसने यूनिवर्सिटी की दहलीज को पार किया। मेरे घर में मुझसे पहले कोई ग्रेजुएट नहीं था। पिताजी शायद 8वीं पास थे, लेकिन जल्द ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। मेरी माँ पढ़ना लिखना नहीं जानती और वो एक धार्मिक महिला हैं। उन्हें लगता है कि किसी का दिल दुखाने से या किसी का बुरा करने से पाप लगेगा। वो पूजा पाठ भी करती हैं। बचपन से ही मेरे घर में शुक्रवार के व्रत रखने से लेकर हवन आरती सब होता था। मेरे गाँव में जहाँ मेला लगता है, वहाँ एक विशाल मंदिर भी है। बचपन में लड्डू के प्रसाद के लालच में हम वहाँ चले जाया करते थे और फिर धीरे धीरे कीर्तन की डपली बजाने लग गए। आप जानकर हैरान होंगे, लेकिन मैं कभी एक कट्टर हिंदू हुआ करता था। मैं हवन करने से लेकर जागरण में भजन गाने तक तमाम हिंदूवादी अनुष्ठान किया करता था। मेरे घर वाले कहते थे कि एक दिन सन्यास लेकर मैं बाबा बन जाऊंगा। आपके बहाने कुछ पुराने दिन याद आ गए। खैर, लगभग 12वीं क्लास तक मैं एक आस्तिक आदमी हुआ करता था। मैंने अपने स्कूली दिनों में बाबा साहब के बारे में सिर्फ इतना सुना था कि वो हमारी जाति के हैं और उन्होंने देश का संविधान बनाया था। यकीन मानिए, बाबा साहब के बारे में इससे ज्यादा हमने कभी नहीं सुना। ना ही स्कूल की किताबों में कभी उनका ज्यादा जिक्र आया और ना ही घर में या गांव में किसी ने हमें बुद्ध, बाबा साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई या फिर फातिमा शेख, पेरियार या मान्यवर कांशीराम साहब से इंट्रोड्यूस कराया। उस वक्त तो सोशल मीडिया भी पॉपुलर नहीं था। मैंने बाबा साहब के बारे में शुरुआती दौर में जो जाना, वो DU के जाकिर हुसैन कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी किताबों से जाना। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी था,
इसलिए संविधान, उसका महत्व, संविधान निर्माण, संविधान सभा की बहस, राजनीतिक सिद्धांत, भारतीय और विदेशी राजनीतिक थिंकर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नारीवाद, मार्क्सवाद और बहुत सारे वाद पड़े। कॉलेज में एक बार हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की ओर से कोई सेमिनार आयोजित किया गया था। उसी दौरान वहाँ एक महिला कुछ पतली पतली किताबें बेच रही थी। वहीं मुझे बाबा साहब की लिखी हुई ये किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मिली। 64 पन्नों की इस किताब को मैंने दिल्ली से सोनीपत जाने वाली लोकल ट्रेन में ही पढ़ डाला। इस किताब ने मेरे अंदर जो बदलाव लाया वो आज आपके सामने है। धीरे धीरे मैं बाबा साहब के करीब होता गया और हिंदूवादी प्रतीकों और देवी देवताओं से दूर होता गया। मैं एक आडंबरवादी से एक अंबेडकरवादी बन गया। यानी शिक्षा ही शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो सच में दहाड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आप अंबेडकरवादी पैदा नहीं होते, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया से गुजरकर अंबेडकरवादी बनते हैं। इसलिए आपके परिवार और दोस्तों में जो भी धार्मिक हों, हिंदूवादी प्रतीकों के प्रति आस्था रखते हों, उनका मजाक मत बनाइए, उन पर गुस्सा मत करिए, बल्कि उन्हें प्यार से टाइम लेकर आराम से समझाइए। शायद उनकी सोच का दायरा आप जितना ना हो, हो सकता है कि वो कम पढ़े लिखे हों, और ये भी हो सकता है कि वो ब्राह्मणवादियों की ओर से दिन रात चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए हों। आप गुस्सा करेंगे और आपके रिश्तों में खटास आ जाएगी। आप अपने ही परिवार और दोस्तों से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उनसे संवाद करें। समय लगेगा लेकिन असर जरूर होगा। मैं ये बात अनुभव से कह रहा हूँ। मेरा भाई जो कावड़ लेने जाता था, आजकल अंबेडकर जयंती मनाता है। मेरी माँ जो शुक्रवार का व्रत रखती थी, अब नए घर में किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं लगा रही। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवाज जात ते सिल पर पड़े निशान। आपको भी अपने और परिवार और दोस्तों को ब्राह्मणवादियों के चंगुल से आजाद कराने का अभ्यास लगातार करते रहना होगा। एक और अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हम अक्सर भोजनों को संविधान की जय जयकार करते हुए देखते हैं। अक्सर मनुवादियों से बाबा साहब के संविधान को बचाने की अपील भी सुनने को मिलती है। मैं इसका मतलब ये समझता हूँ कि आप सब अंबेडकरवादी बाबा साहब के संविधान को बहुत मानते हैं और संविधान में लिखी बातों के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि अक्सर बहुजन समाज के कुछ लोग किसी और के धर्म पर बेहुदे कमेंट करते दिखते हैं। खासकर हिंदू धर्म, जिसने बहुजनों का सबसे ज्यादा नुकसान किया, उसे लेकर तो बहुजन समाज बहुत आक्रामक रहता है। मैं आपकी भावनाओं और गुस्से को बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन कुछ लोग धार्मिक प्रतीकों या देवी देवताओं पर ओछी टिप्पणियां भी करते हैं और फिर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में जेल में चले जाते हैं। इससे क्या फायदा हुआ, उल्टे आपका नुकसान ही हो गया। इसलिए आपको किसी धर्म को गालियां नहीं देनी चाहिए और ना ही उनके प्रतीकों का अपमान करना चाहिए। आप मुझे फिर से हिंदूवादी ठहराने लगे, उससे पहले आप भारत के संविधान का आर्टिकल 25 पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि सभी व्यक्तियों को अंतकरण की स्वतंत्रता, अपनी पसंद के धर्म को मानने, आचरण करने और उसके प्रचार का समान हक है। यहाँ भारतीय संविधान धर्म को परिभाषित नहीं करता, लेकिन हर किसी को अपनी आस्था के हिसाब से धर्म को मानने की आजादी देता है। यानी आपको जो धर्म पसंद हो मानिए, और अगर नहीं पसंद है तो मत मानिए। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि हम बाबा साहब के लिखे संविधान को मानते हैं, तो आपको उन्हीं की अध्यक्षता में लिखे गए आर्टिकल 25 को भी मानना होगा। आपको ये बात समझनी होगी कि जब आप किसी धर्म के बारे में बुरा भला बोलते हैं, तो आप उनकी आस्था के अधिकार की गारंटी देने वाले आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन कर रहे होते हैं। इसके अलावा धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में आपको जेल भी हो सकती है। आपको आलोचना और अपमान में बुनियादी फर्क समझना ही होगा। मुझे भी फर्क समझने में वक्त लगा। इसलिए मुझे लगता है कि बहुजन समाज को धर्म और मंदिर मस्जिद जैसे मसलों में नहीं पड़ना चाहिए। इससे कुछ हासिल नहीं होता। अम्बेडकर वादियों को अपनी शक्ति अपनी नस्लों को शिक्षा देने और उनके उज्जवल भविष्य के इंतजाम में लगानी चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा Facebook पेज भी जरूर लाइक करें। इसके अलावा आप हमें Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए अकाउंट डिटेल्स में हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं हूं सुमित चौहान और कैमरे के पीछे मेरी सहयोगी अजरा परवीन और अनुज। जय भीम, जय भारत। साथियों, अंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 222333009468935।
आईएफएससी कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, आईएफएससी कोड में RATN के बाद जीरो है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।